ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जवा के नेतृत्व में बिजली बिल की मनमानी, अघोषित कटौती, खाद की कमी, युवाओं को रोजगार, व्यापारियों से मनमानी टैक्स, जन विरोधी कार्य से परेशान होकर सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। अपने विचारों में नेताओं ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई है किसानों को त्रस्त कर दिया है। बिजली की अघोषित कटौती लगातार जारी है, मनमानी बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, व्यापारियों से मनमानी टैक्स वसूली की जा रही है। जन विरोधी सरकार के खिलाफ अब आम जनता को जागने की जरूरत है। भाजपा की सरकार केवल झूठे और खोखले वादे कर रही है, आम जनता के हित में कोई कार्य नहीं किए जा रहे। युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, वह अब झूठा साबित हो रहा है। युवा रोजगार न होने की दशा में बाहर जाने के लिए मजबूर है। आवारा पशुओं के लिए गौशाला केवल कागजों में बनाई जा रही है। आज हम लोग जवा ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित जो अभी भी केंद्र सरकार ने किसानों के हित के खिलाफ कृषि विधेयक पारित किए हैं उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे लोगों की मांग है कि इस तरह के कृषि विधेयक जिसमें कृषकों की डेथ वारंट में दस्तखत हो रही है उसे वापस किया जाए। दूसरी मांग हम लोगों की यहाँ की है, किसान आवारा पशुओं से बेहद परेशान है। जहाँ गौशाला बने हैं कमलनाथ जी द्वारा बनाए गए तो उनको चालू किया जाए और जहाँ नहीं बने हैं वहाँ नए बनवाए जाएं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, खदान एक स्वीकृत हुई है यहाँ नदी में, टमस नदी, लेकिन बरसात के 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच वो खदानें, हर रात की नदी की खदानें बंद रहती हैं जिसकी भी खबर हो रही है। लेकिन यहाँ देखने में यह है, अभी आप सबने, हमारे साथियों ने बताया, व्हाट्सएप भी आए, तो वहाँ 50-50 जेसीबी अंदर घुस के पूरी तरह से अवैध रेत निकासी कर रही हैं। मैंने कलेक्टर से भी बात की, कलेक्टर ने कहा मैं देखूंगा, व्हाट्सएप भेजे तो कलेक्टर महोदय ने अभी तक व्हाट्सएप खोला नहीं, माइनिंग ऑफिसर ने व्हाट्सएप खोला। हमने शिकायत की है, बात करी है, वो मन से हटके गए थे तो हम दोनों लोगों से बात की, कलेक्टर से भी बात की, उनसे बात की कि आप भैया आओ, 50 मशीनें लगी है, छापा डाल के पकड़ो, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं थी। हम लोगों का प्रशासन से मांग है कि इसमें अवैध जो निकासी है उसे रोकी जाए, बंद की जाए, डीजल पेट्रोल के जो दाम है उन्हें वापस किया जाए। और जिस तरह के आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का रेट है, 30 रुपये में डीजल पेट्रोल बिचना चाहिए वो मिल बिचे, किसानों को खाद पूरी मात्रा पे मिले। जब जब भाजपा की सरकार रही किसानों को खाद नहीं मिलती है, जो आज की तारीख में 260 रुपये की खाद यूरिया जो बाज़ार में 500 रुपये में, किसान वो भी नकली खाद है खरीदने के लिए मजबूर। मजदूर हमारे यहाँ के हों चाहे बाहर से आए हुए हमारे लोग हों, हमारे भाई भतीज लड़के जो हमारे उसमें हैं, बाहर से दिल्ली बम्बई से नौकरी छोड़ के बेचारे इस कोरोना काल में चले जाए, अब भूखों मरने की स्थिति आ रही, उनको कोई भी काम नहीं मिल रहा। इस काल में भी जो भीषण महामारी का रोज़ 1 लाख का ग्राफ कोरोना का जा रहा है, उनको लौट के दिल्ली बम्बई वापस जाना रहा, लेकिन यहाँ काम नहीं दे रहे हैं। वो 25-30% मजदूर पलायन कर चुके हैं, हमारे युवा बाहर घूम रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, और पढ़ लिख के बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बेचारे 6-6 साल से आप फोड़ फोड़ के घर का पैसा पूरा बर्बाद करके बैठे हैं, उन्हें नौकरी दी जाए। जिले के आम जन बिजली के जले ट्रांसफर के कारण जो विद्युत संकट उत्पन्न है, जो कटौती से संकट उत्पन्न है, बिजली के भारी बिल से जो संकट है उसे कम कर है। जो कमलनाथ जी द्वारा 100 यूनिट का बिल किया गया था, किसानों का आधा बिल माफ़ किया गया था, उस तरह से बिजली का रेट चालू करके लिया जाए। जवा में व्यवहार न्यायालय की व्यवस्थापना की जाए, SDM बैठाया जाए, जवा जनपद के बंद पड़ी नल जल योजनाएँ चालू की जाए, जवा बाजार में स्ट्रीट लाइट में साफ सफाई की व्यवस्था की जाए, तराई क्षेत्र अंतर्गत सभी थाने में पर्याप्त पुलिस बल दिया जाए, और पुलिस प्रशासन तहसील जनपद यहाँ बिजली विभाग यहाँ के अधिकारियों जो भी जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अगर वो अपनी आदत नहीं सुधारते हैं तो कांग्रेस पार्टी अभी तो शालीनता और शुचिता के साथ चल रही है, अगर इनकी स्थिति नहीं सुधरी तो कांग्रेस पार्टी दूसरे रास्ते को भी इख्तियार करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, इसमें जो इनका इशू रहा तो इसको फिर जो जिस विभाग का है उस विभाग से अपने करेंगे, निराकरण करवाएंगे, और जो अपने संबंधित है उसको भी हम प्रयास करेंगे कि उसको हम तत्काल निराकरण करें।
करके और उनको माने जो लाभ लेने लायक है उनको दिलवाएं, है ना। यही हमारा प्रयास रहे कि और जो जहां जिस संबंधित वो होगा उस विभाग को वहां भेजेंगे इसके आवेदनों को। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।